नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट वेलबींग में। दोस्तों अभी रोड ट्रिप के दौरान अभी शायद बज रहे 7:30 हैं और गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो चलते चलते अभी टाइम है मेरे पास, तो मुझे कोकोनट प्लांटेशन दिख गया। जैसे कि आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, इतने सारे कोकोनट प्लांटेशन है। ये है नागरकोइल तिरुनेलवेली हाईवे में है, ये जगह है तमिलनाडु में। तो सबसे पहले तो इन कोकोनट्स के बारे में मैं ये बताऊँगा कि कोकोनट्स, वैसे जो लोग साउथ में आते हैं उनको पता है कोकोनट साउथ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब कलिनरी यानी खाने की वाली चीज़ों में ज़्यादातर कोकोनट तो यहाँ पर होता ही होता है। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि आयुर्वेदा में कोकोनट के बहुत सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं, बहुत सारे फ़ायदे बताए गए हैं। उन्हीं में से कुछ चुन के मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कोकोनट यूज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जो कोकोनट है उसको हम साइंटिफिक नेम में कोकस न्यूसीफेरा कहते हैं, या फिर नॉर्मल भाषा में कोकोनट, और हिंदी में जैसे हम नारियल कहते हैं। तो साउथ में वैसे बहुत डिफरेंट टाइप के नारियल मिलते हैं, ये वाले शायद ये ग्रीनिश है और ये वाले थोड़े ऑरेंज कलर के हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वो वाले भी ग्रीनिश कलर के, डिफरेंट डिफरेंट कोकोनट के टाइप्स मिलते हैं जिनको हम साउथ की भाषा में तमिल में जैसे हम कहते हैं एलनीर। दोस्तों ये जो कोकोनट वाटर रहता है इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कोकोनट ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इवन यहाँ पर तो जो कुकिंग होती है ट्रेडिशनल कुकिंग वो कोकोनट ऑयल में की जाती है, और इसी के साथ साथ इसका जो पल्प रहता है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल जो लोगों का आजकल के जनरेशन को जो पिंपल एक्ने वगैरह होते हैं उसका सबसे बेस्ट इलाज है ये कोकोनट। दोस्तों सीधी सी बात है कि अगर आजकल के यंगस्टर्स को हैं जो हैं एज के साथ उनको पिंपल्स और एक्ने बढ़ते रहते हैं, तो आप सिंपल सी चीज़ करिए, सुबह उठते ही पहली चीज़ आप करिए ये कोकोनट पीजिए, सबसे बेस्ट है। अभी इससे लेने से क्या होगा कि आपके शरीर में अब पिंपल और एक्ने क्यों होते हैं, क्योंकि आपके शरीर में गर्मी ज़्यादा होती है, पित्त दोष बढ़ा हुआ होता है। तो कोकोनट वाटर पीने से पित्त दोष की कमी होती है और धीरे धीरे आपके चेहरे में एक टोनिंग आ जाती है। इसका मतलब संस्कृत में इसे वर्णीय कहा गया है, मतलब आपके स्किन में एक टोन देगा, सॉफ्ट टोन देगा, और इसी के साथ साथ चेहरे के जो पिंपल और एक्ने वो पूरी तरह मिट जाएंगे। और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो है गैस्ट्राइटिस में। अब दोस्तों आप देखते होंगे कई लोगों को क्या है, खाना खाने के बाद में यह जलन बहुत ज़्यादा मचती है, कोई भी तला गला या फिर मसालेदार खाना खा लिया तो जलन बहुत ज़्यादा मचेगी, तो उसके लिए बेस्ट इलाज है ये कोकोनट वाटर। आप कोकोनट वाटर लीजिए, आपकी गैस्ट्राइटिस जो आपको जलन हो रही है वो हाथों हाथ ठीक हो जाएगी। एक और समस्या होती है, जो लोग अगर अक्सर जो है पानी कम पीते हैं तो उनके यूरिन में क्या एक सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन हो जाता है, जिसमें हम कहते हैं बर्निंग मिक्चुरेशन, मतलब वहाँ पर जलन होना, वहाँ पर दर्द होना, तो उसके लिए भी बेस्ट इलाज है ये कोकोनट वाटर। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो बर्निंग सेंसेशंस होते हैं मिसल्स और हर्ब्स के दौरान, उस समय भी आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर मिसल्स के ऊपर लगाने से वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन कम होगा। और इसी के साथ साथ जिन लोगों को भी डायरिया होता है, दस्त रेगुलर लगती ही रहती है, तो दस्त में कोकोनट वाटर इज़ द बेस्ट इलाज। कोकोनट वाटर लेते ही आपकी दस्त रुक जाएगी, और भी कई सारे मेडिसिन हैं लेकिन कोकोनट अगर आपके यहाँ अवेलेबल है तो सस्ते सुंदर टिकाऊ डायरिया के लिए बेस्ट इलाज है। और दोस्तों इसी के साथ साथ आप देखते होंगे ये ट्रीज लगभग 30 मीटर हाइट तक ग्रो होते हैं, और इनके अगर आप पत्ते देखेंगे तो लंबे लंबे, और इवन इनके पत्तों का जो झाड़ू जो स्वीपर रहते हैं वो भी यहाँ पे ट्रेडिशनली बनता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर संस्कृत में अगर हम देखें तो नाली केरम हीम स्निग्धम, इसका मतलब ये है कि जो नारियल रहता है वो हीम रहता है, मतलब एक कूलेंट की तरह काम करता है, और ये स्निग्ध नेचर का होता है, ऑयली नेचर का होता है। और इसी के साथ साथ ये इसके जो गुण रहते हैं, प्रॉपर्टी रहती है, वो रहता है इसका गुरु, मतलब हैवी रहता है, और इवन ये स्निग्ध रहता है, मतलब ऑयली नेचर रहता है। मतलब जिन लोगों को भी अगर सही से खाना नहीं पचता है, मतलब वैसे ही उनका डाइजेशन बहुत ज़्यादा हैवी रहता है, तो इसका जो पल्प रहता है अंदर का वो मत खाइए, क्योंकि वो थोड़ा हैवी रहता है इन डाइजेशन, तो अगर आपका डाइजेशन वीक हो तो आपको ये नहीं लेना चाहिए। और इसी के साथ साथ दोस्तों ये जो कोकोनट वाटर जो है वो कूलेंट के साथ साथ वज़न बढ़ाने के लिए भी ये कोकोनट यूज़ किया जाता है। जिन लोगों का भी वो सोचते हैं कि यार हमको हमारा वज़न बढ़ाना है, वेट गेन करना है, तो आप ये कोकोनट का जो पल्प है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो वेट
वेट है वो गेन होगा, और इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इसको बल्ली भी बताया गया है। बल्ली का मतलब है कि जो स्ट्रेंथ देता है, और इवन खास हर भी बताया गया है। खास हर मतलब जो कि कफ, कोल्ड, फीवर जैसी समस्याओं से आपको छुटकारा देता है। ये इसके कुछ मेन बेनिफिट्स हैं, और ये आप रेगुलर लाइफ में यूज़ करेंगे तो ये जो छोटी मोटी आने वाली बीमारियाँ जैसे कि एक्ने, पिंपल्स, फीवर, कोल्ड, कफ वगैरह, इनसे ये आपको दूर रखेगा। तो दोस्तों गर्मी ज़्यादा लग रही, मुझे भी निकलना है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।